सुबह सुबह का समय हो रहा है और हम निकल चुके हैं फ्लाइट ट्रिप। हमारे साथ हैं मिस्टर विवांशु, मिस्टर शेखर और हम अभी कर्नाटक में बेंगलोर में ही हैं। मैंने अब ये मास्क लगा लिया, क्यों? क्योंकि अभी हमारा कटा है चालान काटा उन्होंने बैंगलोर निकालने से पहले ही 500 रुपए की चपत। तो ये हमारी ट्रिप का एक हिस्सा था जो हो गया। ये भी डिवाइड बाय 2 है और बिना चालान के हमारी ट्रिप अधूरा था, तो अब वो भी हो गया। तो लेट्स सी आगे और क्या क्या होता है, विल अपडेट यू। अभी हम बैंगलोर से निकले हैं, अराउंड 100 किलोमीटर ड्राइव किया है और अभी हम रामगढ़ में हैं, जहां रामनगर या सोले वाला रामगढ़, जहां सोले की शूटिंग हुई थी, ऑलमोस्ट पूरी सोले यहीं शूट हुई थी। और अभी हम मैसूर जा रहे हैं, मैसूर से मैंगलोर, मैंगलोर से उडुपी, गोकर्णा, फिर वापस बैंगलोर। अभी हम मैसूर में हैं, मैसूर से मडिकरी के लिए जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे कि मैसूर में घूमेंगे, 2-3 जगह स्पॉट करी थी हमने जहाँ जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैसूर में वीकेंड लॉकडाउन लग गया कल से, तो हमें कोई भी जगह देखने को नहीं मिली। तो अभी हम मडिकरी के लिए अभी ही निकल रहे हैं। बिग बॉस, रात 11:30 बजे, दिन भर की थकान और ड्राइविंग के बाद अब हम फाइनली अपने रिसोर्ट में पहुंच के और अब सोने की तरफ चल रहे हैं। हेलो, आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है। अभी हम उडुपी के पास एक जगह पे हैं, प्लेस का नाम तो नहीं पता, बट ये लाइट हाउस रिजॉर्ट है कुल्लू, एंड इट्स रियली नाइस प्रॉपर्टी। और कल का दिन तो हमारा ऑलमोस्ट वेस्ट चला गया था,
कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका में सडन लॉकडाउन लगने की वजह से पहले हम मैसूर गए वो भी पूरा क्लोज, फिर कुर्ग गए कुर्ग भी पूरा क्लोज, मैंगलोर गए वो भी पूरा क्लोज, तो फाइनली हम नॉर्थ कर्नाटका की तरफ बढ़े और वहाँ पे रिजॉर्ट बुक करके वहाँ पे हम उडुपी जी। हाँ तो अभी बहुत ज़्यादा, और अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा उडुपी, है ना, उडुपी के, उडुपी के बाद हमारा जो ट्रिप है वो गोकर्णा है, दैट इज फाइनल डेस्टिनेशन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बेंगलोर। उडुपी में हमने एक दो जगह देखी है जैसे डेल्टा पॉइंट एंड मालपे, देखते हैं कैसा है। हाँ। दिखाते हैं आपको। और हमारे ठीक पीछे यहाँ पे बीच है जो कि काफ़ी तेज लहरें चल रही हैं इस टाइम पे, और यहाँ से लाइट हाउस भी थोड़ी दूरी पे है। Kindly request you all passengers, please make sure your seat belt is properly tight, and wish you all the very best.